अंबाला में पूर्व मंत्री अनिल विज ने नागरिक उड्डयन मंत्री कमल गुप्ता के साथ अंबाला छावनी में उड़ान योजना के तहत निर्माणाधीन सिविल एनक्लेव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा कि 15 जुलाई तक निर्माण कार्य को पूरा करने और 15 अगस्त तक पहली फ्लाइट प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। वो बन रहा है और सारी जो मंजूरियां लेनी थी, क्योंकि डिफेंस के एयरपोर्ट के साथ ही बन रहा है और फ्लाइट भी उनके रनवे से ही होगी, वो सारी मंजूरियां हमने ले ली थी और उम्मीद है कि अगले 2 महीने में ये बन के तैयार हो जाएगा और जैसे तैयार होगा ये एयरलाइन से भी जो है एग्रीमेंट हो गया है और सारी जो तारीखें हैं आज रात तक पूरी कर ली जाएंगी, तो 2 महीने बाद यहाँ से फ्लाइट उड़नी शुरू होगी। मैंने देखा है बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है, हमारे भाई अनिल विज जी ने बहुत मेहनत करके इस लैंड को लेकर और ये काम शुरू किया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि ये एविएशन डिपार्टमेंट मेरे पास आया है तो जल्दी से 1-2 महीने में यहाँ से हम फ्लाइट शुरू कर सके, ये हमारा प्रयास है। तो हमने इनसे वायदा लिया है, एक्सीएन साहब से, ठेकेदार से, भले ही इनका टाइम थोड़ा सा आगे तक का है, पर मैंने इनको वायदा किया है, इनसे निवेदन भी किया है कि 15 जुलाई तक ये भवन का काम कंप्लीट करें। और 15 जुलाई तक अगर ये भवन का काम कंप्लीट हुआ और ईश्वर ने चाहा और भाई साहब का आशीर्वाद रहा तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से हमको डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू कर दें।